नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस बैंक के नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। पहले हम एस बैंक के प्राइस सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था कि जब FPO का अनाउंस आया तो उस समय इसका भाव 24-25 रुपए चल रहा था। उस FPO का बेस प्राइस 12-13 रुपया रखा गया था। फिर वहाँ हुआ क्या कि उस जो 24-25 के रुपए का जो वैल्यू चल रहा था, वहाँ बैक टू बैक लोअर सर्किट करते करते FPO के आते आते वो शेयर 12-13 रुपए में आ गया। फिर उसके नीचे भी वो शेयर ट्रेड करने लगा। फिर उसके बाद जो 10-11 रुपए का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से एस बैंक ने रिवर्स लिया और अप ट्रेंड बनाया और वहाँ से बैक टू बैक अपर सर्किट लगा। यहाँ पे इन्वेस्टर एक बात का ध्यान देंगे, ये वो शेयर नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे एंट्री कर लेंगे। आपको ये एंट्री करने के मतलब फ्लैश बाइंग बनाने के आपके बहुत से मौका देगा ये शेयर। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 17 से 18 रुपये 50 पैसे के बीच में यहाँ बहुत बड़ा रेसिस्टेंट है, तो वहाँ से ये टच करके वापस आपको नीचे जाएगा, फिर आप वहाँ से फ्लैश बाय कर सकते हैं। अभी जो FPO में 11-12 रुपए से जो 17 रुपए तक ऊपर गया, जो अप ट्रेंड बनाया, उसका एक रीज़न और भी है। पिछले एक साल में यहाँ पे बहुत से नंबर मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी यहाँ पे बढ़ाया गया है। उसके कारण भी यहाँ पे उसका असर भी अभी यहाँ पे देखने को मिला। एक तो पहले से भी बढ़ा था कैश लाने के थ्रू, और अभी FPO के थ्रू भी इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स को भी बढ़ाया गया। यह रीज़न भी है कि यहाँ पे जो एक अप ट्रेंड आया हुआ था। यह वो वाला शेयर नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। ये शेयर हालांकि अच्छा कर रहा है, लेकिन आप अभी अचानक से ये नहीं सोच सकते कि 100-150 रुपये आएगा। हाँ, आगे जब इसका समय आएगा, मतलब वो कैसे, अगर इसका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका बुक वैल्यू बढ़ेगा, इसका बुक वैल्यू बढ़ेगा तो EPS मतलब अर्निंग पर शेयर का रेशियो बढ़ेगा, तब यह जाएगा। लेकिन अभी यह पॉसिबल नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। आपको यहाँ जगह जगह आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ तो अभी तो फिलहाल लिक्विडिटी की कमी के कारण यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट उसमें ट्रेड कर रहा है। पहले तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद एक और मोमेंटम बनाएगा। आप किसी भी लेवल पर यहाँ एंट्री नहीं करना है। यह शेयर आपको बहुत सा मौका देगा, आप वहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इस शेयर में जगह जगह पर रेसिस्टेंस है। अगर आपके पास FPO के टाइम का शेयर, अगर बाइंग शेयर होल्डिंग है, तो आप यहाँ 17-16.50 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से शेयर फिर से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ 17-18.50 रुपये के आसपास बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। इस बैंक को बचाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ कदम रखा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो इसका इम्पैक्ट भी आपको आगे जाके इस शेयर में देखने को मिलेगा, जो उसके प्राइस वैल्यू ऊपर जाने के रूप में आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे SBI ने भी बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ लगाया है, फिर FIIs ने यहाँ पे भी वहाँ पैसा लगाया है, तो इसका इम्पेक्ट भी दिखेगा आपको। लेकिन ये आपको इनिशियली नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद लॉन्ग टर्म में यह भी आपको दिखेगा। हमारा यहाँ पे यह स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि अगर यह शेयर वापस 12-13 रुपये या 11 रुपये के आसपास मिलता है, तो वहाँ आप फ्रेश बाइंग कीजिए, क्योंकि नीचे में 8-9-10 रुपये पे इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। जैसे कि 17 रुपये के आसपास आता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो जाता है, तो ऐसे ही वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता है 10 रुपये के पास, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहाँ पे आपको जैसे ही मिलता है 11-12 रुपए के आसपास, तो वहाँ आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। यह बैंक ने इस क्वार्टर में अच्छा काम किया है, आशा करते हैं कि हम आगे भी और अच्छा काम करेगा। इससे इसका बुक वैल्यू बढ़ेगा, इससे इसका EPS बढ़ेगा, इससे उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।